हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो मैं भी अच्छे से हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है और खिली खिली सी तेज धूप हमारे उत्तराखंड में आई हुई है। और बच्चे स्कूल से आ गए, खाना वाना हो गया है और मैं आज ना अपने सबसे ऊपर वाली छत में आई हूँ। यहाँ पर आया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे ना हमने सीढ़ियां वो वाली नहीं लगवाई थी, सिंपल अभी वैसी ही सीढ़ी लगाई हुई है। तो चढ़ने में ना बड़ी डर लगती है मुझे। तो रिशु तो सेकंड टाइम आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली सीढ़ियां हैं जिसमें कि बहुत डर लगता है मुझे तो आने में, और रिशु को भी, है ना रिशु? हाँ, अब मैं तो जा रहा हूँ नीचे। जा रहा है? हाँ, तो रिशु चल के दिखाएगा। रिशु देखना कैसे जाता है, गर्म स्लीपर पहन के आया है। ऊपर से ये वाली स्लीपर उतार दे भाई, इनको नीचे डाल दे। और नीचे रखी है मशीन, और अभी मशीन का भी काफी काम करना है। वो भाई कैसे गिरी ये रिशु ने तो फेंक दी। आराम से उतरना। हाँ भाई। ये देखो ऋषु ऐसे उतर रहा है भाई, मुझे तो डर लगता है इसमें ना। मैं तो कूद भी तो नीचे। कौन? नहीं, ऐसे नहीं कूदना भाई। और इन सीढ़ियों में ना ये इसलिए नहीं लगवाई थी ना हमने, उस टाइम बच्चे छोटे थे ना, तो हमने कहा ये छत में आ जाएंगे ऊपर वाली में छोटे। हाँ तब से लगा लो। ऋषु 8th में पहुंच गया है और ये देखो कैसे जा रहा है, डर डर के जा रहा है ऋषु भी। ये देखो, और ये ऋषि तो पहुंच गया नीचे। अच्छा बोल रहा है, मैं मम्मा के लिए सीढ़ियां हटा देता हूँ। तो चलिए भाई अब नीचे चलती हूँ ना। ऋषि ने कहा मम्मा ऊपर से स्टार्ट करते हैं व्लॉग, यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारे घर के पास ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है जहाँ प्लॉटों की आज कटिंग हो रही है, उधर भी खेल रहे हैं बच्चे। और आजकल सब जगह जहाँ ग्राउंड है वहां ना बच्चे खेलते हुए पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे। और ये हमारी ना दुर्गा कॉलोनी का व्यू देखो, कितना सुंदर बढ़िया सा लग रहा है। गार्डन का मैंने आपको परसों भी दिखाया था जब मैं लाइव आई थी दोपहर में। और ये देखिए, जो भी लोग आसपास वाले व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो वो अपना घर भी पहचान रहे होंगे कि हमारा घर कहाँ है। और ये देखो वहां पे दिखाती हूँ। दीदी हेलो। दीदी भी पता नहीं तानी क्या खा रही है। देखो खाना खा लिया? अच्छा अच्छा व्रत है? अच्छा ठीक है। तो दीदी का भी फास्ट है बोला। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना दुर्गा कॉलोनी का पूरा व्यू। तो चलिए अब मैं भी नीचे चलती हूँ, और नीचे चल के मशीन का काम करना है। तो चलो भाई अब मैं भी नीचे आ गई। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है नीचे आते हुए ये सीढ़ियों में ना, कखी में लमड़ गयो। तो तब वे गया, तब मशीन काम तो वे गया फिर। तो भैया ओह माय गॉड, फाइनली मैं आ गई नीचे। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो चलो ये करूंगी मैं आज, इस वाले टेबल क्लॉथ को पूरा लेस लगाना है। परसों मैंने लेस लाई थी ना, तो वो लेस कम पड़ गई थी ये वाली, तो आज इसको पूरा बनाऊंगी तो आपको तब दिखाऊंगी, ठीक है? तो भाई तो फाइनली पापा का लोअर भी हो गया पूरा। तो चलो मशीन का तो आज सारा काम हो गया, और ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये छोटा वाला जो क्लॉथ था मैंने सिलाई रखी थी ना इसमें, ये दुकान वाला, तो ये भी हो गया। इतनी लेस हमारी ये बची हुई है। तो चल फिर ये वाला सामान लेके चल नीचे। नीचे चलते हैं और आपको ना मैं इसको डाल के दिखाती हूँ कैसा लगता है ये ना। मशीन को ढक के भी रखना पड़ेगा, इधर ही ढक के रख देती हूँ। तो चलिए जी अब नीचे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो पहले ये डाइनिंग को पूरा खाली कर देती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर क्लॉथ डाल के दिखाती हूँ। We'll be right back.
चलिए जी, ये तो था फाइनल लुक जो कि आज निखर के आ चुका है। घर की एक भी चीज़ चेंज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। तो फाइनली मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं कुछ खटपट हो रही है तो। किचन में मेरा प्यारा सा बेटा रिशु भी बना रहा है चाय, और चाय के लिए रख दिया है पानी। और ये देखो अदरक डाल रहा है, अदरक, ये देखिए अदरक ज़्यादा तो नहीं डाल दी, ठीक है, गुस्सा तो नहीं आ रहा नहीं तो। तो चलिए रिशु बना रहा है चाय, चाय पीते हैं, शॉप पे जाते हैं। और रिशु को भी आ गई अब कड़क वाली चाय बनानी। तो ये क्या डाल रहा है रिशु? इलायची। कितनी डाल रहा है इलायची? दो। हाँ दो, ठीक है। तो दो इलायची डाल दी, गुस्से में ऐसे फेंक रहा है जैसे पता नहीं क्या फेंक रहा होगा। चलिए जी, आज दिन भर मेरा भी ऐसे ही हो गया, मशीन के साथ मशीन लगी रही तो बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। फटाफट से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो दोस्तों चाय भी रेडी हो चुकी है, चाय डालती हूँ इसमें। और चाय बड़ी कड़क बनी है, रिशु ने बनाई है। दूध मैंने डाला, बाकी सब कुछ रिशु ने किया। दूध डालना बड़ी बात नहीं होती ना, चाय का जो मसाला होता है ना वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं ना मैं बाहर चाय दे के आती हूँ गुसाई जी को भी, थोड़ी सी चाय बच भी गई है, एक्स्ट्रा तो कोई पीता नहीं। तो पहले दो लोग बाहर बैठे हैं, गुसाई जी और उनके साथ बाबा जी भी बैठे हैं एक और, तो उनको दे करके आती हूँ, ठीक है ना। फटाफट से मैं चाय दे के आती हूँ, चाय दे के भी आ गई हूँ। और अब मैं खुद पीती हूँ, तो आपको पता ही होगा मेरा फेवरेट कप कौन सा है, तो ये वाला है। और बिस्किट नहीं है ना आज कुछ भी, लेके आ दो। ना लेके नहीं आना, और बिस्किट आज कुछ नहीं है, तो ऐसे ही पियेंगे आज हम चाय को। जरूरी थोड़ा रोज बिस्किट, जब तक कैंटीन में इससे आए रहे थे पूरा का पूरा बंच लेके आ गए थे गुसाई जी, मगर जब तक खत्म नहीं होता बच्चों को चैन नहीं आता। पियो करके, आज मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था, बट फिर भी ब्लॉग तो बनाना था क्योंकि दो दिन से मैं कुछ भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैंने बना लिया। तो ब्लॉग जैसा भी आपको लगेगा प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और घर कैसा लगा, क्लॉथ कैसा लगा जो मैंने आज बनाया है, तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।